एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. लाइंस एंगल 6.1 एक्सरसाइज लाइंस एंगल्स क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पर गिवन है कि ये दो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओवर और ए ओ सी प्लस बी ओ ई, मतलब ए ओ सी ये एंगल एंड बी ओ ई ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो है वो है 70 एंड बी ओ डी ये गिवन है 40. हमें फाइंड आउट करना है बी ओ ई, दैट मीन्स बी ओ ई ये वाला एंगल अलग से क्योंकि इनका सम दे रखा है, अलग से नहीं दे रखा है. एंड सी ओ ई रिफ्लेक्स सी ओ ई, यानी कि सी ओ ई का रिफ्लेक्स यानी कि 360 से माइनस करके इसके उल्टे तरफ का एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बी ओ डी गिवन है. बी ओ डी अगर 40 है तो ए ओ सी भी क्या होगा, 40. क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 degrees. रीजन क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, नाउ ए ओ सी प्लस बी ओ ई जो गिवन हो क्या है 70 है ना. तो इन तीनों एंगल का सम ए ओ सी प्लस सी ओ ई, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है बी ओ ई है ना. तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180. क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा वहाँ पर. तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180. रीजन स्ट्रेट एंगल. रीजन लिखना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री में. नाउ ए ओ सी और बी ओ ई का जो वैल्यू है क्या है 70. तो इनको हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, साथ लिख लेते हैं. इज इक्वल टू 180. तो इन दोनों का सम क्या हो गया 70 दे रखा है पहले से, ए ओ सी और बी ओ ई 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सी ओ ई दैट इज 180 माइनस 70. तो सी ओ ई कितना आ गया 110. पर हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्स सी ओ ई. ओके, और अच्छा अभी बी ओ ई भी रहता है, अच्छा उसको भी निकालना है, पहले इसको निकाल लेते हैं. हाँ सी ओ ई होगा तो रिफ्लेक्स सी ओ ई जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110. ये रिफ्लेक्स निकाल लें तो 0.5 to 250 degrees रिफ्लेक्स सी ओ ई. नाउ बी ओ ई, तो ए ओ सी जो हमने निकाल रखे हैं 40 degrees, इसको लेते हैं फिर से. ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 और ए ओ सी का वैल्यू कितना 40 degrees है, प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70. यहाँ से हम बी ओ ई ये फाइंड आउट कर लेंगे. तो बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 दैट इज बी ओ ई इज इक्वल टू 30 degrees. तो दोनों एंगल्स हमने निकाल लिए. तो देयरफॉर एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 degrees एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई इज इक्वल टू 250. वॉट इट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर गिवन है कि एक्स वाई और एम एन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओवर और पी ओ वाई इज 90 degrees, यानी कि ये पी ओ वाई एंगल जो है 90 degrees का है और ए रेशियो बी इज 2:3, मतलब इन दोनों का रेशियो 2:3 है और हमें निकालना है सी. तो सी जो है ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल जो है टोटल एंगल के इक्वल होगा. क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं सी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ए प्लस 90 degrees. क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, नाउ ए और बी, ए और बी का रेशियो क्या है 2:3, ठीक है ना. तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 90 degrees
और रेशियो कितना है हमें निकालना है ए, क्योंकि सी निकालने के लिए ए चाहिए, तो ए का रेशियो क्या है, टू है, ठीक है। तो हम अगर ए निकालना है तो टू अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, टू प्लस थ्री फाइव, और दोनों एंगल मिक्स करके कितना था, सम क्या था, 90 डिग्री, यानी कि 90। तो टू इज द रेशियो ऑफ ए, फाइव इन दोनों का सम, टू प्लस थ्री फाइव, और 90 है होल एंगल, मतलब टोटल जो एंगल है। तो ये हो गया, फाइव से कैंसिल कर देते हैं, फाइव इटिन टू जो 36, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 90 है ना, ये था ना, तो A का वैल्यू आ चुका है 36, तो 36 प्लस 90 6 एंड 12, तो 126 डिग्री, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और हमें प्रूव करना है पी क्यू एस दिस वन इज इक्वल टू पी आर टी, इसके इक्वल है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस क्या होगा, पहले तो गिवन लिख लेते हैं, ये क्या है, गिवन है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है। और उसके बाद एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस क्या होगा, 180 होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर है, ठीक है। देन पी आर क्यू एंगल, इसका इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, एक मिनट इसमें नीचे ले देते हैं, लीनियर पेयर, ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180, ये सेकंड इक्वेशन, सेम रीजन होगा यहाँ पर भी, लीनियर पेयर। अब क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इक्वल है पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर पी आर क्यू दोनों इक्वल, तो इक्वल पार्ट जो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ। आई गेस समझ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ गिवन है, ये एक लाइन है ए बी, गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूफ करने की ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन, ओके। लाइन का मतलब हमें शो करना है कि ये एंगल 180 डिग्री बन रहा है, ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बच्चे ऐसे कहते हैं कि दिख तो रहा है, तब तो दिख तो रहा नहीं होगा, इसमें शो करना पड़ेगा हमें कि कैसे है। तो ये सारे एंगल्स को हम करते हैं प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, क्या होगा ये 360 कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब गिवन क्या है हमें, एक्स प्लस वाई जो है इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो डब्ल्यू प्लस जेड को हम हटा के क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। अब दो बार एक्स है, दो बार वाई भी है, तो ये होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। नाउ 2 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा कॉमन में 2, तो x प्लस वाई क्या आ गया 180। तो x प्लस वाई एग्जैक्टली क्या है, ए ओ बी है ना, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, ओके।